फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजमी ओडिशा। और आज हम दिवाली स्पेशल ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने अपना सारा सामान यहीं पे रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने खजूर रखे हैं और ये सीसम सीड्स है, तेल जिसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है, और ये पम्पकिन सीड्स है, और ये पिस्ता है, और ये आलमंड, कैश्यू और ये पीनट है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम इन सबको टुकड़े करके काट लेते हैं, और खजूर को भी छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरा पैन गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जितना, इतना ही बस। तो अब हम इसमें ये अपने ये कटे हुए खजूर डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम कम कर लेंगे। अब हम इसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करूंगी, अच्छे से फ्लेवर आने के लिए इसका। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अभी हम इसको निकल देते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अभी हम इसका छोटे छोटे बॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाने से ये हाथ में नहीं चिपकेगा। बॉल बनाने के बाद इसको हम ये तेल में ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ से ये तेल लगने चाहिए आपका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे लड्डू रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ उसको। ये देखिए, ये अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।